जहां दोस्तों सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, सैनिकों का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, देश और विदेश और न्यूज में छाए हुए हैं हमारे भारतीय सेना के जवान। श्री श्री छत्रपति छत्रपति शिवाजी शिवाजी महाराज की जय। महाराज की जय। और ये यूएस आर्मी के जवान को क्या सिखा रहे हैं, तो छत्रपति शिवाजी महाराज की जय और श्री राम की जय बोल रहे हैं। और ये वीडियो लाखों नहीं करोड़ों लोगों ने देखा है, विदेश में भी देख रहा है, न्यूज हेडलाइंस बनी। आपको इस वीडियो को अप्रिशिएट करना होगा। अब खबरें करते विस्तार से। हाँ जी दोस्तों, यानी आपका डीएडीआर की बढ़ोतरी कब होगी, इसकी घोषणा कितना बढ़ेगा, इस पर लग चुकी है मोहर। जी न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। दूसरी बात कहते हैं पेंशन कटौती बंद। यदि आपकी पेंशन फैमिली पेंशन में कन्वर्ट हो जाती है तो लगने वाली पेनल्टी बंद हो गई है। नया नियम 1 जनवरी 2024 से लागू। और यदि आप ईसीएचएस से अपना बिल क्लेम कराना चाहते हो तो 1 महीने में सिर्फ और सिर्फ 25,000 से ज्यादा क्लेम नहीं होगा। नई एडवाइजरी आपके साथ शेयर करूंगा। हर एक लेटर को देखते रहना। सबसे पहले इस वीडियो के देखिए और हमारे जवानों को आप मोटिवेशन के लिए एक लाइक जरूर करें, शेयर करें कि हमारे जवान कितने दिलदार होते। मस्ती का वीडियो है। यूएस आर्मी के जवान को बोल रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, यानी श्री राम की जय। और राम राम किस तरह सिखा रहे हैं, यानी हमारी संस्कृति को बढ़ावा देना यूएस आर्मी के साथ, ये बिल्कुल सराहनीय है दोस्तों। अब खबरें करते विस्तार से। जैसे कि गुड न्यूज फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, 4% एक्सपेक्टेड डीए हाइक इन मार्च 2024। रिपोर्ट्स कह रही है कि आपकी मार्च में घोषणा हो जाएगी डीए की 4% कम से कम बढ़ोतरी है। जी न्यूज कह रहा है न्यू दिल्ली इन ए पॉजिटिव डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज दे आर एक्सपेक्टेशन आर 4% इंक्रीज इन डीए फॉर द पीरियड ऑफ कमेंसिंग January 1, 2024। उन्होंने कहा है कि नई दिल्ली से अखबार में छपा हुआ कि 1 जनवरी 2024 से बढ़ने वाला डीए 4% बढ़ेगा। और घोषणा रिपोर्टेड सजेस्टेड दैट द ऑफिशियल अनाउंसमेंट रिगार्डिंग दिस हाइक मे बी मेड इन मार्च 2024। और इसकी घोषणा लगभग मिड मार्च में हो जाएगी, 2024 में इसकी घोषणा हो जाएगी और सभी को इसका लाभ मिलेगा। कितना मिलेगा, किस बेस पे कह रहे हैं, उन्होंने कहा द इंक्रीज कमिंग एट AICPI इंडेक्स रिगार्डिंग 139.1 इट विल इलेवेट द डीए 50% क्रॉस, यानी 50% है उसके पार डीए वे होना लगभग तय है। और एक्सपेक्टेड बेनिफिशरीज 48.6 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड 67.95 लाख आपके पेंशनर्स हैं। टोटल उन्होंने कहा 12,857 करोड़ सालाना, यानी प्रोजेक्टेड टू बी RS इतना इतना करोड़ एनुअली उसके ऊपर लगेगा। एज द गवर्नमेंट टेक स्टेप टू एड्रेस द इकोनॉमिक डायनेमिक्स, उन्होंने कहा इन्फ्लेक्टेड या इन्फ्लेशन द, उन्होंने कहा प्रोटेक्शन डीए हाइक एम इज प्रोवाइड रिलीफ टू द अफेक्टेड वर्क फोर्स एंड परमिसेबल अलाइक। उन्होंने कहा ये DADR यानी जो पेंशनर्स हैं और सर्विस मैन के लिए, उनके लिए साल में 2 बार बढ़ता है, ये उनकी महंगाई जो है उसके अकॉर्डिंग दिया जाता है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसे मैंने कहा कि पेंशन कटौती का जुर्माना पारिवारिक पेंशन भुगतान पर लागू नहीं, CPAO आदेश 1/1/2024 से आप देख सकते हो, ये ऑफिस में मेमोरेंडम देख सकते हो, मैं पीछे दिखा रहा हूं। और ये आपको हमारी सैनिक जीवन की एक पेज है, उस पर आप फॉलो करिए, उसमें सारे लेटर मिल जाएंगे, ये बहुत जरूरी है। यानी CPO ने अपने ऑफिस मेमोरेंडम दिनांक 1/1/2024 के माध्यम से स्पष्ट किया है कि पेंशन कटौती का जुर्माना पारिवारिक पेंशन के भुगतान पर लागू नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपकी पेंशन में किसी प्रकार की कटौती हो रही है, या किसी अकोमोडेशन कटौती है, या कोई और गड़बड़ी की कटौती है, या बैंक कोई रिकवरी करता है, तो वो यदि आप फैमिली पेंशन में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी पेंशनर्स की मृत्यु के बाद वो कटेगी नहीं, 1 जनवरी 2024 से स्ट्रिक्टली लागू है। भारत सरकार वित्त मंत्रालय व्यय विभाग केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय त्रिकुट नई दिल्ली और CPO जो लेटर लिखा 1/1/2024 का लेटर है, ऑफिस मेमोरेंडम है। मुद्रा अवधि के दौरान सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों की मृत्यु के मामले में पारिवारिक पेंशन की राशि पर पेंशन कटौती के प्रभाव पर स्पष्टीकरण तत्संबंधी, उन्होंने कहा अद्दो हस्ताक्षरी को पत्र क्रमांक प्रसारित करने का निर्देश दिया गया है। सूचना और सख्त अनुपालन के ऊपर उद्गत विषय पर वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग केंद्रीय अप्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड जारी ऑफिस मेमोरेंडम 20 दिसंबर 2023 अजय चौधरी लिखा है। और क्या क्या लिखा है आप इसमें पढ़ सकते हो कि इन्होंने कहा है
कि कृपया मृत सरकारी सेवकों के परिवार को बेपरिवारिक पेंशन की राशि को निर्धारित करने वाले सीसीएस पेंशन नियम 2021 के नियम 50 सब भाग 2 का संदर्भ लें। इस संबंध में इस बात पर संदेह व्यक्त किया गया है, क्या पेंशन में कटौती का दंड जुर्माने की अवधि के दौरान सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के मामले में पारिवारिक पेंशन की मात्रा को प्रभावित करेगा। इस संबंध में नोडल विभाग यानी पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने क्या स्पष्ट किया? नियम 2021 के नियम 8 के तहत सरकारी कर्मचारी पर लगाया गया पेंशन कटौती का जुर्माना पारिवारिक पेंशन के भुगतान के लिए लागू नहीं है। पारिवारिक पेंशन का भुगतान अंतिम मूल वेतन के 30% की एक समान दर पर किया जाना होगा, जो न्यूनतम 9,000 रुपए प्रतिमाह के अधीन है। हालांकि यदि पारिवारिक पेंशन भोगी बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन का हकदार है तो बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन की राशि सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त पर अधिकृत पेंशन से अधिक नहीं होगी। इसलिए सीबीआईसी के तहत कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वे इसे सख्ती से अनुपालन के लिए पेंशन मामलों में निपटने वाले सभी अधिकारियों को ध्यान में लाएं। यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया, आपका विश्वासी विजय राजमोहन निर्देशक जो डायरेक्टर है, ये लेटर है, ये निकल चुका है, आप इसको देख सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ। जैसा हमने आपसे कहा है कि 25,000 रुपए महीना यदि आपका बिल कितना भी लगा है इससे ज्यादा आपको पेमेंट नहीं होगा। यह सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईसीएचएस एडजुटेंट जनरल ब्रांच इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर एमओडी और 2 जनवरी 2024 का लेटर है। ऑब्जर्वेशन एन ए नॉट अवेलेबल मेडिसिन क्लेम्स सबमिटेड फॉर इंडिविजुअल और रिइंबर्समेंट रेफर सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएचएस लेटर नंबर 1 अप्रैल 2022 लेटर नंबर 26 जुलाई 2023 एंड करेंट इश्यू ऑफ सबमिटेड 3 फॉर नॉट अवेलेबल मेडिसिन विल्स अंडर 1 claim ID बाई बेनिफिशरीज यू आर रिक्वेस्टेड टू एक्सेप्ट 3/4 NA medicine will for individual reimbursement of benefices under the one claim ID for 1 month. The total monthly cap of all NA medicine will be not exceed 25,000 at the time. In general condition, under one claim ID as per policy, however, one claim ID shall be for the medicine purchased for same month of only. इन्होंने कहा है कि one contingent will be है multiple. इन्होंने जो कहने का मतलब है कि यदि आपके पास एक महीने में जब आपने इलाज कराया तो 25,000 से ज्यादा आपके जो बिल्स हैं एनए जो बाहर खरीदे उससे ज्यादा क्लेम नहीं होगा, भले वो दूसरे महीने में हो लेकिन एक महीने जनरल कंडीशन में 25,000 से ज्यादा नहीं होगा। फ्रेश टाइमलाइन फॉर सबमिशन इन इंडिविजुअल एनए मेडिसिन बिल रिइंबर्समेंट आर रिवाइज अंडर सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन क्लेम मेडिसिन रिइंबर्समेंट विद इन 60 डेज ऑफ डेट ऑफ मेडिसिन बिल्स। ये एक लेटर है राजेश वल्ला सर्जिकल कमांडेंट का, आप देख सकते हो। ये लेटर किसी को चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, इसका टेलीफोन नंबर भी दिया है 0112568 3476 और मिलिट्री नंबर भी दिया है। जो भी इसमें अनुकारी आपके बिल्स में यदि आप ईसीएचएस से इलाज करा रहे हो, आपने मेडिसिन आपकी एनी हुई आपने बाहर से खरीदी तो इसका एक नया प्रोसीजर है, इस लेटर को आप ले सकते हो। दोस्तों आज की खबरों में इतना ही, बने रही हमारे साथ। जय।